हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सपोर्ट स्लिप बैक का डिज़ाइन। इसके लिए आपने जो फैब्रिक लेना है, जिसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 17 इंच ली है, आपने क्या करना है, इस पे पेपर फ्यूज को पेस्ट कर लेना है ऐसे। ये जो पेपर फ्यूज है इसके टू सी साइड पर मैंने पेस्ट कर लिया है, देख ले सकते हैं आप। यहाँ पर आयरन कर दी है मैंने। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने थोड़ा इसको ये इतना ही सेम फैब्रिक लेना है, लाइनिंग फैब्रिक लेना है, और इसको सीधी साइड रखकर तीन साइड से इसको स्टिच कर देना है। थ्री साइड्स की स्टिच कर देनी है आपने। देखिए यहाँ पर मैंने थ्री साइड स्टिच कर दी हैं इसकी, आप देख सकते हैं वीडियो में। और फिर जो फोर्थ साइड इसकी ओपन है, इस तरह इधर से मैंने इसको बाहर निकाल देना है, सीधा कर देना है इसको अच्छे से। आपने इसके कोने भी निकाल लेने हैं और फिर इसको आयरन कर लेना है आपने एक बार। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है चाहे आपने, और नीचे से भी इसको स्टिच कर देना है जिससे ये पूरा कवर हो जाए, बंद हो जाए जिससे। देखिए मैंने यहाँ पर से स्टिच कर दिया है इसको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक मार्क करना है 1 इंच पे। आपने यहाँ पर ऐसे लेना है जहाँ पर ऊपर की साइड है जो हमारी, इसको हमने यहाँ से 1 इंच की मार्किंग लगानी है। 1 इंच की मार्किंग लगानी है आपने, उसके बाद 1/2 इंच पे एक और मार्किंग करनी है आपने, ठीक है। और इसी को ही दूसरी साइड पे भी टैप कर देंगे। इसी को मैंने दूसरी साइड पे टैप कर दिया है और सही से इसको दोबारा से मार्किंग कर लिया इसी के ऊपर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों लाइंस पे आपने सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टिच दे दी है दोनों लाइंस जो मैंने ड्रॉ करी थी। अब यहाँ पर साइड से भी हमने स्टिच दे देनी है थोड़ा कपड़ा मार्जिन लेकर, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये मैं पेपर ले रही हूँ, आप पहले इस पे पेपर पे कटिंग कर लें। ये 7 इंच की चौड़ाई है, 7 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। सबसे पहले इसको आपने 4 फोल्ड कर लेना है इसी तरीके से जैसे मैंने किया है, और 2.5 इंच पे आपने इसको ऐसे सर्कल कर लेना है, बनाना है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं 2.5 इंच पे ऐसे मार्क कर रही हूँ इसका। अब इसको कट कर लूँगी मैं। आपने ये मैंने यहाँ पर पेपर पे इसलिए पहले कट किया ताकि मैं इसको मेजर कर लूँ कि ये सही आ रहा है या नहीं। अगर आपका ये इस पर आप रख के देखें, अगर आपका ये इसको मैंने पेपर पे पेस्ट कर देना है, ये जो मैंने टेट्रॉन फ्यूज पे काटा है, और आप देख लें अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप उसको कम कट कर लें, और अगर आपका कम आ रहा है तो आप उसको थोड़ा ज़्यादा मार्क कर लें। अब आप देख सकते हैं ये मैंने उल्टा कर लिया है अपना जो स्टिच किया था। अब इसके आपने क्या करना है, मैंने जो पेपर पे पेस्ट किया है इसको, आपने इसको ये मैंने उल्टा किया है, आपने इसको उल्टा ही रखना है। जिधर ये जो हमारा टेट्रॉन दिख रही है इसको आपने ऊपर की साइड रखना है, और ये गोलाई में आपने स्टिच कर देना है इसको। चाहे आप इसकी हैंड स्टिच दे दें, और या चाहे आप इसको मशीन से सिलाई कर लें। मैंने यहाँ पर मशीन से सिलाई कर लिया, अब इसके बाद सीधा कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये गोलाई में मैंने इसको दे सिल दिया है, और इसको सीधा भी कर दिया है। अब आपने हमने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पर हमने डोरी डालेंगे। अब ये यहाँ पर हमने जो ये जो सिलाई की थी इसमें हमने होल करना है थोड़ा सा। ये देखिए आप सीजर की हेल्प से या किसी सुई की, मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन के हेल्प से दोनों साइड पे होल कर देना है जिससे हमारी डोरी अंदर चली जाए। यहाँ पर मैंने ये डोरी ली है सिल्वर कलर के, आप बना भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेडीमेड डोरी ली है, इसको मैंने सेफ्टी पिन से अंदर डालना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसको सेफ्टी पिन से अंदर डालूँ। अब मैंने इसको दूसरी साइड पे बाहर निकाल लिया है। आप चाहें तो ये सिर्फ एक ही साइड से आप डोरी डाल सकते हैं, ये भी आपकी ठीक रहेगी। मैंने यहाँ पर दोनों साइड से खोलने वाला बनाऊँगी। आप देख सकते हैं ये एक साइड तो हमने इधर से बाहर निकालना है, और हमने अब इस साइड में हमने सुराख करना है, होल करना है, जो हमने अब दूसरी साइड में करना है।
इस साइड से हमने बाहर निकालनी है अब डोरी। पहले अब हम उस साइड से डाल लिया है, इसके दूसरा सिरा भी हमने एक जो आपके डोरी का सिरा है वो एक साइड, एक डोरी का सिरा इधर की साइड आना चाहिए और एक दूसरी डोरी का सिरा दूसरी साइड आना चाहिए। फिर हम इसको ऐसे करके जो हम इसको खींचेंगे तो ये बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों साइड से ये बंद हो रहा है। अब यहाँ पर लटकन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका हैंडल लगाएंगे, चाहे तो आप इस डोरी से भी पकड़ सकते हैं इसको। यहाँ पर मैंने ये लेस ली है, आप चाहे तो यहाँ पर डोरी ले सकते हैं, बैंगल ले सकते हैं, ये पर्ल लगा सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा पोटली बैग रेडी है बनने के बाद। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लगा है बनने के बाद और बहुत ही ईजी भी है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।